थोड़ा लंबा सफर, इतना लंबा सफर हम लोग सब ने, झालावाड़ के लोगों ने, हम लोगों ने एक परिवार के रूप में मिलकर यहाँ तक सफर किया है, साथ में मिलकर सफर किया। गारंटी पर सवार होकर सरकार चलने का दावा कर रहे हैं। एक चीज मैं क्लियर यहाँ करना चाहूंगी कि आप लोग शब्द पकड़ने का काम कर रहे हैं। ये जो झालावाड़ है ना, ये हमारा परिवार है। इस परिवार के बीच में बहुत चीजें एक दूसरे के साथ होती है जिसका पॉलिटिकल कनोटेशन नहीं होता। और कल अगर मैंने ये कहा था तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि दुष्यंत को देखकर, कल भाषण सुनकर, सब लोगों का रिएक्शन देखकर मुझे भी बड़ी खुशी हुई। माँ एज अ मदर मुझे अच्छा लगा कि दोनों का इतना अच्छा एक दूसरे के साथ समन्वय था और इसीलिए मैंने वो बात कही। मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहती हूँ, कहीं जा रही हूँ मैं अपनी अटेंड कर रहा हूँ, कहीं रिटायरमेंट का बात मत अपने ध्यान में रखें। मैं पूरे राजस्थान एक चीज और मैं ध्यान करना चाहूंगी, आप लोगों को देना चाहूंगी कि अशोक गहलोत जी की सरकार ने अभी तक इस प्रदेश के साथ छलावा करके, कपट करके राज करने का काम किया है। 4 साल तक पिटारा खोला नहीं, लोगों को दुखी करने का काम किया और फिर जख्म के ऊपर नमक डालने का काम किया। ये सब हमारी राजस्थान की जनता बहुत ही समझदार है और जानती है कि उन्होंने क्या किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक जोरदार तरीके से इसका रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आएगा और जोरदार तरीके से हमारे लोग जीत तक जाएंगे और आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार।